नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको वाराणसी से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित जौनपुर के अंतर्गत पड़ने वाले रामपुर बाज़ार का पूरा नज़ारा दिखाएंगे और आपको पूरा हम घूमकर दिखाएंगे कि इस बाज़ार में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अभी जो है हम लोग रामपुर के दक्षिण पड़ाव के पास से हम लोग गुजर रहे हैं और यहाँ से आप उल्टे साइड जाइएगा तो आपका जो भदोही है वह लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप देखिए ये मार्केट का भी क्या स्थिति है। यहाँ से आप आगे जाइएगा थोड़ा तो पूरा आपका जो मेन मार्केट है वो मिलेगा। और ये देखिए भी इधर थोड़ा काम चल रहा है रोड का, तो यह वाला जो रोड का काम है आपका भदोही से जौनपुर तक जो 4 लेन बन रहा है उसी के अंतर्गत ये रामपुर में ये देखिए काम चल रहा है। ये देख रहे हैं साइड साइड में आपका नाला बना है, तो ये काम इधर अभी रामपुर मेन बाज़ार में भी चल रहा है। और इधर से आप आगे जाइएगा तो फिर आप जमालापुर मरियाऊ होते हुए फिर आप जौनपुर में प्रवेश कर जाइएगा, मतलब जौनपुर का जो मेन मार्केट है आपका वहाँ चले जाइएगा। तो यहाँ से जौनपुर की दूरी की बात करें तो लगभग आपका 28 किलोमीटर की दूरी पर है जौनपुर। और आप ये देखिए इधर 4 लेन के लिए आपका पूरा देखिए ज़मीन में ये देख रहे हैं ये बराबर अब कर ली गई है। अब दोनों तरफ से आपका इधर भी 4 लेन बनाने का काम जो है स्टार्ट होगा। तो जौनपुर भदोही का जो 4 लेन का वीडियो है वो मेरे आप चैनल पर देख सकते हैं, उसमें मैं पूरा आपको रामपुर से लेकर जमालापुर तक का पूरा डिटेल अपडेट दिखाया हूँ। उसमें पूरा मैं दिखाया हूँ कि रामपुर से आपका लगभग 4 से 5 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो आपका बन चुका है और उस पर अब जो गाड़ियाँ भी चलने लगी है। बाकी आपका रामपुर की बात करें तो इसका जो पिन कोड है आपका 2222-03। और ये देखिए अब हम लोग जो धीरे धीरे हैं आपका जो मेन मार्केट है रामपुर मेन रोड वो अब हम लोग पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपका जो है रामपुर थाना यानी रामपुर पुलिस स्टेशन दिखे ये इसका बोर्ड लगा हुआ है ये बाएं साइड में देख रहे हैं। कभी निर्माण काम होने की वजह से आपको इतना ज़्यादा रौनक नहीं दिख रही होगी, लेकिन काफ़ी अच्छा मार्केट है ये रामपुर का। रोड काफ़ी ख़राब आप देख ही रहे हैं, तो जब 4 लेन बन जाएगा तो काफ़ी बेहतरीन नज़ारा दिखेगा आपको। और ये देखिए आपका पूरा सब्जी बाज़ार देखिए देख रहे हैं, ये देखिए पूरा मेन मार्केट में हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए इतने धूप में भी लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। आपको इधर हर तरफ पर भी निर्माण कार्य चलता हुआ दिख रहा होगा, इस वजह से आपको जो राहगीर है और जो यहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़ा मार्केटिंग करने में दिक्कत तो आ ही रहा है। और ये देखिए इधर पूरा फल मंडी है एक तरह से देखिए तो मार्केट पूरा। और इधर साइड देखिए आपका आगे अब जाइएगा तो फिर ये आपका जो 12 किलोमीटर आगे जाइएगा तो लगभग निगोह बाज़ार करके है, उधर आप चले जाइएगा। इसके देखिए पूरा सवारी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, तो हम लोग उधर आगे नहीं जाएंगे, हम लोग चलिए यहीं से घूमते हैं वापस और आपका आगे ले चलते उधर जमालापुर वाला जो रास्ता है उधर की साइड। बाकी देखिए अच्छा खासा मार्केट है ये, आसपास के लोगों के लिए मेन मार्केट है जो आसपास के गांव हो गए आपके, देख रहे हैं यहाँ पर हर चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये देखिए आपको कपड़ा से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स मिठाई कूलर फ्रिज जो चाहिए आपको इस मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे, और इस रास्ते में आपको जो है सरकारी और प्राइवेट दोनों बसें चलती हैं आपका जौनपुर से भदोही के लिए, तो आप आराम से इधर ट्रैवल कर सकते हैं। आराम से तो नहीं क्योंकि अभी रास्ता ख़राब है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि आपका पूरा
ट्रांसपोर्ट हमेशा इधर अवेलेबल रहता है। ये देखिए इधर देखें बस कितना जा रहा है इधर, ये देखिए। और आसपास के कस्बे के लोग इधर, आपका डॉक्टर लोग भी इधर है, मेडिकल हॉस्पिटल ये सब भी यहाँ पर आपका उपलब्ध है। तो आपको पता ही है कि गांव में सबसे ज़्यादा दिक्कत आपका एक देखिए तो शिक्षा और स्वास्थ्य, तो ये दोनों चीज़ों का यहाँ पर आपकी उपलब्धता है। देख रहे हैं पूरा हर तरफ आपका निर्माण कार्य ही चल रहा है, जब ये पूरा बन जाएगा तो फिर काफ़ी बेहतरीन लगेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर अभी काम चल रहा है पूरा, काफ़ी मतलब अच्छे खासे स्पेस में पूरा मार्केट आपको दिख रहा होगा। और गर्मी के मौसम में मैंगो जूस बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी पिए, नारियल पीजिए। ये देख रहे पूरा ये गारमेंट्स का ये दुकान भी कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं है, ठीक ठाक अच्छा खासा दुकान है इधर। अगर कोई भाई लोग रामपुर साइड इधर के हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये देखिए पूरा आपका ये निर्माण कार्य किस तरह से चल रहा है, जैसे मैंने बताया आप मेरे वीडियो पर देख सकते हैं, जौनपुर भदोही 4 लेन में पूरा मैंने अपडेट दिखाया है। तो मैं वीडियो तो यहीं समाप्त कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।